नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8th का एक क्वेश्चन जो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इस वीडियो को चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। दो तरह का इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 ईयर्स में 15% पर एनम के हिसाब से 180 रुपीज है। तो हमें वो जो अमाउंट है, वो जो सम है, वो फाइंड करना है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन लेते हैं और यहां पर लिखते हैं लेट P इक्वल टू X, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास X है। और हमारे पास क्या दे रखा है, R इक्वल टू दे रखा है 15% और T इक्वल टू दे रखा है, टाइम इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 2 ईयर। अब यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब A टू Q का मतलब हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट के अंदर 1 + R / 100 और ये हो जाता है टी, या इस जगह पे एन भी लिखते हैं, और माइनस इसमें से पी। तो ये वाले चीज में, इस वाले चीज में से ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो गया। इसमें से जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का हो जाता है PRT/100। इस वाले को क्या करना है, माइनस कर देंगे तो हमारे पास होना चाहिए 180, ये गिवन है हमारे पास। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो P का जगह हमें लिख देना है X और ये हो जाएगा 1 + R हमारे पास है 15/100 और ये हो जाएगा T हमारे पास 2 है माइनस फिर से X, ये एक ब्रैकेट के अंदर आ जा रहा है, माइनस ये हमारे पास आ जा रहा है, पी हमारे पास एक्स है, आर हमारे पास 15 है और टी हमारे पास 2 है और ये हो जा रहा है 100। ये हमने ले लिया इसको दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और ये हो जाएगा 5 × 20 = 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा 20, इसको एक साथ में ले लेते हैं 23 हो जाता है ये, 23/20 और फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 23/20 और ये माइनस का एक्स, ठीक है। और इसी तरह से ये ले लेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और ये 5 × 10 = 10, ठीक है। और यहाँ पे माइनस इसको लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x/10 और ये इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 529 और इसके साथ में ये वाला x लिख देंगे, ये हो गया x और अपॉन में ये हो जाएगा 20 × 20, ये हो गया 400 और फिर ये वाला माइनस का x, ठीक है। ये अभी एक इसमें ले लेंगे और माइनस ये वाला 3x/10 इक्वल टू 180। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 529x - 400x/400 और फिर ये माइनस 3x/10 इक्वल टू 180। अब ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 129x/400 और माइनस ये हो जा रहा है 3x/10 इक्वल टू 180। अब इसको इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 400, ठीक है, और इसका ये हो जाएगा 129 ये x और माइनस, तो 10 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120x इक्वल टू 180। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x/400 इक्वल टू 180, ये हो जाएगा x इक्वल टू 180 और ये 400 ऐसे इधर ऊपर चले आएगा और ये 9 यहाँ नीचे आ जाएगा, 9 × 2 = 18 ये हो गया 20, तो ये हो गया x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 20 × 400 इक्वल टू ये हो जाएगा 8000, ये हो गया हमारा आंसर।